intel city a platform where you can learn teach research and repeat i am subhanazis from intel city and welcome to verilog HDL tutorial series In uh, this series may is video may hum a 4-bit editor design karenge or hum oh, oh pehle jo hai, uska data flow level ka code likhna sikhenge or uske baad uska test bench jo hai wo uh, design karenge or uh, finally hum अपने कोड को और टेस्ट पैच को मॉडल सिम के अंदर सिमुलेट करेंगे और रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे तो लेट्स स्टार्ट विद द फोर बिट फुल एडर फोर बिट फुल एडर जो है वो उसकी तीन इनपुट्स होती हैं बिकॉज ये एक फुल एडर है तो इसमें सी इन की कैरी इन की भी इनपुट होगी जो कि सिंगल बिट की इनपुट होगी वन बिट की और ए और बी जो है वो फोर फोर बिट की इनपुट होगी बिकॉज ये फोर बिट का एडर है इसी तरह सम जो है वो फोर बिट की आउटपुट होगी और सी आउट यानी कैरी आउट जो है वो सिंगल बिट की आउटपुट होगी ये जो है वो फुल बिट फोर बिट फुल एडर का ट्रुथ टेबल है ए और बी और सी इन ये तीन इनपुट्स हैं ए और बी जो है वो फोर फोर बिट की है और सी इन सिंगल बिट की है इसी तरह सम और कैरी जो है वो हमारे पास आउटपुट्स हैं भी फोर बिट का सिग्नल होगा हमारे पास और सी uh, आउट जो है वो वन बिट का या सिंगल बिट का सिग्नल uh, होगा uh, तो सिंपल uh, एडिशन है जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीरो 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 वन के साथ जो आउटपुट है वो जीरो जीरो वन जीरो आ रही है यानी कि टू आउटपुट जो है वो, तो वो, uh, uh, वो जनरेट हो रही है सिमिलरली जब यहाँ पे फोर है यानी वन जीरो जीरो है फोर प्लस फोर है वन जीरो जीरो तो आउटपुट एट है यानी कि वन ट्रिपल जीरो रही है वन ट्रिपल जीरो को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो एट बनता है आ, तो इसी तरह से ये आप टूट uh, टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं आ, और यहाँ से हम फिर नेक्स्ट uh, स्टेप की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट uh, स्टेप में हम फुल बिट फोर एडर का जो वेरिलॉग कोड है वो देखेंगे तो सबसे पहले मॉड्यूल uh, और फुल एड फोर ये मेरे मॉड्यूल का नेम है और uh, ये इसकी लिस्ट है, है, uh, है और 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 जो 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 है है uh, है वो 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 तो ये डिफाइन कर दिया दूसरा उसका साइज यहाँ पे mention है। तो साइज मेंशन करने का मतलब कि आप इसको थ्री डाउन जीरो जो है वो बोलते हैं थ्री कॉलन जीरो तो जो थ्री है वो uh, uh, एस है और जीरो जो है वो इसका एल है इसी तरह आउटपुट जो है वो सी आउट है ये क्योंकि सिंगल बिट की है तो इसलिए इसका साइज हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ इसी तरह जो इनपुट है वो मेरे पास फोर बिट की है तो थ्री डाउन जीरो ए और थ्री डाउन जीरो बी यानी कि ये ए और बी दोनों फोर फोर बिट के मेरे पास इनपुट सिग्नल्स हैं और इसकी टाइप जो है वो वायर है यहाँ पे जो आउटपुट्स हैं वो भी वायर टाइप के क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया कि ये reg type है या है। है तो ये ये जो जो होगा इसको wire type consider करेगा। इसी तरह वो भी single bit की 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 है है। है और वो वो हम पे जो स्पेसिफाई करते हैं असाइन स्टेटमेंट जो की स्टेटमेंट है वेरी लॉक के अंदर जो डेटा फ्लो लेवल मॉडलिंग है उसके अंदर तो यहाँ पे हम ए प्लस बी प्लस सी इन ये प्लस का साइन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्लस का साइन जब भी हम यहाँ ना तो जो हमारा कंपाइलर है या सिंथेसाइजर है सॉफ्टवेयर है वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि हम ए और बी दोनों की एडिशन चाह रहे हैं ए बी और सी इन इन तीनों की हम एडिशन चाह रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक एडिशन का सर्किट जनरेट करेगा और इन तीनों पैरामीटर्स को एज अ इनपुट उसको पास कर देगा

एडिशन के सर्किट उठाएगा और कनेक्शंस को स्टेबलिश कर देगा और जो आउटपुट है वो हम चाहते हैं कि इसमें जाए सम में प्लस सम से जो आउटपुट एक्स्ट्रा होगी यानी कि जो कैरी आएगा वो हमारे पास इस तरह से सी आउट के वेरिएबल में आ जाएगा तो अगर हम यहां पे ये सी आउट को मेंशन नहीं करें तो ए प्लस बी प्लस सी इन में जो कैरी आएगा वो कैरी इग्नोर हो जाएगा वो कैरी सेव नहीं होगा वो इग्नोर हो जाएगा तो ए और बी प्लस सी इन में अगर कोई कैरी आता है तो वो कैरी सी आउट वेरिएबल में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा इसके बाद फाइनली हम एंड मॉड्यूल करेंगे तो मॉड्यूल की बॉडी एंड हो जाएगी हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक लाइन के अंदर एक स्टेटमेंट के अंदर हमारा पूरा सर्किट जो है वो एडिशन का फुल लेटर का वो डिस्क्राइब हो गया है सो लेट्स गो टू मॉडल सिम वहां पे हम इसका टेस्ट बैच लिखना सीखेंगे और इसको पूरा सिमुलेट करेंगे और इनपुट्स देके आउटपुट्स को एनालाइज करेंगे ओके जी मैं मॉडल uh, सिम में आ चुका हूँ और अब मैं फाइल मेन्यू में जाके न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करूंगा मेरे प्रोजेक्ट का नेम होगा फुल एडर फोर बेट और uh, जो लोकेशन मैं इसको असाइन करूंगा uh, वो लोकेशन सी इंटेल फुल एडर मैंने एक सी के अंदर जो है एक आ, एडर का फोल्डर बनाया हुआ है फुल एडर का आ, आप यहाँ पे नोट करेंगे यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए कोई गैप नहीं होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट के लोकेशन के अंदर और उस फोल्डर में कुछ और डेटा भी नहीं होना चाहिए कंप्लीट न्यू प्रोजेक्ट जो है वो आप बनाया करें फ्रेश प्रोजेक्ट तो आ, ओके और यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल में आके वेरॉक की फाइल जो है हम जो है एड करते हैं फुल एडर इसका नेम रख दिया मैंने और ओके को क्लिक किया और क्लोज कर दिया फाइल मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है फुल अड़, वी, इसको डबल क्लिक करके ओपन किया और यहाँ पे मैं जो है अपना कोड कॉपी करूँगा जो कि मैंने वहाँ ही से कॉपी किया है जो आ, जो हमने अभी डिस्कस किया तो फुल एडर का फुल एड फोर आ, एक आ, जो है हमारे पास मॉड्यूल आ चुका है और इस मॉड्यूल को हम जो है वो कंपाइल uh, करके चेक करते हैं कंपाइल ऑल और फुल सक्सेसफुल मॉड्यूल की जो कंपाइलेशन थी वो सक्सेसफुल हो गई है अब हम इसका टेस्ट बेंच कोड राइट डाउन करते हैं और मॉड्यूल um, ताकि हम इसको फुली uh, जो है वो टेस्ट कर, कर सके तो uh, मैंने मॉड्यूल का नेम रख दिया मॉड्यूल टीवी अंडरस्कोर एफ यानी कि फुल एडर और इसकी जो पोर्ट लिस्ट होती है वो एम्प्टी होती है है। और इसको मैं एंड मॉड्यूल भी अभी ही राइट कर लेता तो अब यहां पे इसके मैं सारा अपना तो मॉड्यूल तो और ए बी तो इन पोर्ट्स को हमने जो यहाँ पे इनपुट पोर्ट्स हैं, ये वायर टाइप की हैं, तो इसको हमने रेच टाइप का जो है वो डिक्लेयर करना है रेच थ्री डाउन जीरो है और ये बी आ गया मेरे पास इसी तरह रेज जो दूसरी इनपुट है वो सी इन है तो इसको भी मैंने रेज सी इन तो ये मेरे पास इनपुट्स होगी जो कि यहाँ पे इस टेस्ट बेंच के अंदर रजिस्टर टाइप की होंगी और जो आउटपुट्स हैं वो सम आउटपुट है और दूसरी आउट सी आउट है यानी कि ये आउटपुट है सम की और दूसरी आउटपुट है सी आउट तो सम आउटपुट को मैं कनेक्ट करूंगा एस के साथ और इसी तरह से वायर आउटपुट को कनेक्ट करूंगा मैं सी ओ के साथ तो ये मैंने कुछ वेरिएबल्स बना लिए इनपुट वेरिएबल जो यहाँ पे इनपुट थे वो उसको मैंने यहाँ पे टेस्ट बेंच में रजिस्टर टाइप का रखा और जो यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल्स से इसको मैंने यहाँ टेस्ट बेंच में एस और जीरो वायर टाइप कर रखा तो इसके बाद हम पोर्ट को इंस्टेंशिएट करते हैं यानी कि पोर्ट को कनेक्शन इस्ट करते हैं पोर्ट के पहले हम मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट करते हैं तो मॉड्यूल फुल एड मैंने नेम जो है वो कॉपी कर लिया और ये F1 ये मेरा इस इंस्टेंट का नेम है और इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे पोर्ट्स को टाई करते हैं कनेक्शन इसके अटैच करते हैं तो यहाँ पे जो हमने अभी रूल्स देखे थे प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने बाय uh, नेम जो है वो कनेक्शन uh, करना uh, सीखा था तो हम यहाँ पे सबसे पहले ए uh, को कनेक्ट करेंगे uh, अपने इस वाले कैपिटल uh, ए के साथ तो यहाँ पे कैपिटल ए को एक्सेस करने के लिए मैं डॉट ऑपरेटर के साथ जो है वो कैपिटल ए लिखूंगा और स्मॉल ए को मैंने स्ट्रेट अवे ब्रैकेट के अंदर मेंशन uh, कर दिया जिस तरह से यहाँ पे नजर आ रहा है इसी तरह डॉट ऑपरेटर के साथ मैं कैपिटल uh, बी को एक्सेस करूंगा डॉट कैपिटल बी बी और स्मॉल को मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख लिया सिमिलरली जो डॉट सी इन और सी इन को मैंने कनेक्ट करना है अपने स्मॉल सी इन के साथ और इसी तरह से uh, जो सम है कैपिटल डॉट ऑपरेटर के साथ मैंने कैपिटल सम जो है उसको कनेक्ट uh, करना है एस के साथ और फाइनली uh, मैंने आउट को कनेक्ट करना है uh, C out को मैंने कनेक्ट सीओ के साथ so, ये मेरे पास कनेक्शंस uh, हैं जो मैंने अटैच कर दिए हैं जो मैंने बाय uh, नेम जो है वो कन, uh, जो कनेक्शन के मेथड है कनेक्शंस uh, या पोर्ट पोर्ट कनेक्शन बाय नेम वो मैंने फॉलो किया इसमें आप सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हैं सीक्वेंस को सेम uh, रखना जरूरी नहीं होता इसके बाद हम इनिशियल ब्लॉक uh, एक इनिशिएट uh, करेंगे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बिगन और एंड इस इनिशियल ब्लॉक का बिगन और एंड है ये इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अपने जो वेरिएबल्स हैं यानी कि इनपुट्स हैं इनपुट्स क्या है इस मॉड्यूल में ए बी और सी इन इसको हम डिफरेंट वैल्यूज पास करेंगे और फिर हम रिजल्ट्स वेवफॉर्म पे जाके देखेंगे कि रिजल्ट क्या ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे तो इस Uh, को वैल्यूज uh, uh, देने के लिए इसको वैल्यूज सेंड करने के लिए हम यहाँ पे ए और बी स्मॉल जो जो है इसको चेंज करेंगे बिकॉज ये स्मॉल ए है वो कैपिटल ए से कनेक्ट है, है वो सी इन से कनेक्ट है. है, है यहाँ पे तो हम यहाँ पे अपने मॉड्यूल के अंदर जो ए है उसको वैल्यू पास करेंगे तो ए फोर बेट का है तो फोर बेट की कोई वैल्यू आप देंगे जीरो 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 इसी तरह बी जो है वो भी फोर बिट का सिग्नल है फोर बिट बाइनरी, बाइनरी वैल्यू हम इसको 0001 पास कर देंगे और सी इन को भी हम कोई बिट की वैल्यू जो है वो पास कर देंगे। इसी तरह हम फिर हंड्रेड टाइम यूनिट्स का डिले देंगे इस डिले से होगा ये कि सिमुलेशन में थोड़ा सा पॉज आ जाएगा थोड़ा डिले आ जाएगा उस डिले के बाद हम वैल्यूज चेंज करते हैं तो इसी जो ऊपर वाली स्टेटमेंट उसको मैंने कॉपी कर लिया यहां से मैं इसको वन वन कर रहा हूँ थ्री थ्री यहाँ पे मैं इसको थ्री प्लस थ्री कर देता हूँ भी थ्री है थ्री प्लस थ्री सिक्स रिजल्ट आना चाहिए इसी तरह से मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे वैल्यूज है वो ऑल वन कर देता हूँ वन 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 और इसी तरह से यहां पे मैं इसको वन और इसके बाद यहाँ से मैं इसको जीरो वन कर देता हूँ तो एक केस में मैं इसको भी हाई कर देता हूँ तो ये कुछ इनपुट्स है इनपुट पैरामीटर्स इनपुट वैल्यूज डिफरेंट इनपुट्स अप्लाई किए ए बी और सी इन पे और अब हम इसको कंट्रोल एस से सेव से करते हैं और कंपाइल करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है नहीं एरर कोई नहीं निकला इसमें फुल डॉट ऑफ बस कंपाइलेशन जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म होगी अब हम इसको सिमुलेट करते हैं स्टार्ट सिमुलेशन uh, पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे वर्क के अंदर आके टी बी अंडर स्कोर एफ ए क्योंकि ये टॉप मॉड्यूल है इस टाइम पे uh, इस मॉड्यूल को हम ओके uh, okay करेंगे ओके okay जी वेव फॉर्म के ऊपर हमारे पास आ, कोई वेरिएबल नहीं आया यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे पास सारे स्टोर्ड हैं यहाँ से हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ से हम सिमुलेशन को रन करेंगे तो सिमुलेशन को रन करने से आप देख सकते हैं कुछ वैल्यूज चेंज हो रही हैं लेकिन यहाँ से हम इन सारों को सिलेक्ट करके इसकी जो टाइप है रेडेक्स में जाके हम इसकी टाइप को चेंज कर देंगे कोई भी टाइप आप कर सकते हैं मैं इसको फिलहाल डेसिमल टाइप पे ले जाता हूँ तो डेसिमल टाइप पे आप देख सकते हैं कि जब आ, ए और बी है ए और बी यहाँ पे जीरो प्लस वन है तो सम uh, में यानी कि रिजल्ट जो आपके पास आ रहा है वो वन आ रहा है इसी तरह डब डेसिमल थ्री प्लस थ्री है तो रिजल्ट सिक्स आ रहा है इसी तरह डब डेसिमल फाइव प्लस वन है तब भी रिजल्ट सिक्स आ रहा है और डेसिमल जब वैल्यूज uh, में जब ए uh, और बी थ्री प्लस वन फोर आ रहे हैं लेकिन कैरी भी वन है तो रिजल्ट आपके पास फाइव आ रहा है तो ये हमारा फुल एडर था जो कि हमने uh, डिजाइन किया इसका टेस्ट बेंच हमने कम्प्लीटली uh, uh, जो है वो डिजाइन किया और इसके बाद जो है हमने इसको सिमुलेट करके रिजल्ट्स को एनालाइज किया तो इस लिस्ट को आप चेंज करें इसकी सीक्वेंस को चेंज करें तब भी इससे कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर यह सिमुलेशन ऐसे ही परफॉर्म होनी चाहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और uh, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक इंटेंसिटी थैंक यू वेरी मच